दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो तीन जजों की बेंच है, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अरुण मिश्र कर रहे हैं, उसने प्रशांत भूषण, जो देश के जाने माने अधिवक्ता हैं, सिविल राइट्स के लिए लड़ते हैं और बहुत सारे मानवाधिकार के ऐसे केसेस को भी उन्होंने उठाया है जिसको लेकर उनकी काफी ख्याति है, प्रशांत भूषण पर सुओ मोटो उन्होंने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में उन्हें कन्विक्ट पाया, उनको उन्होंने एक तरह से दोषी पाया। और दोषी पाने के बाद जब 14 तारीख को ये फैसला आया तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा कि 20 तारीख को इनको सजा दी जाएगी, लेकिन 20 तारीख को भी सजा नहीं दी जा सकी। और उसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। उसकी वजह ये थी कि जिन मसलों को लेकर ये प्रोसीडिंग उनके खिलाफ शुरू की गई सुओ मोटो, वो क्या मसले हैं पहले इसको समझ लिया जाए। वो उनके दो ट्वीट हैं और पीछे के भी कुछ मामले कोर्ट की तरफ से लाए गए, तो जो लेकिन दो ट्वीट हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि अनेक लोगों ने इस देश के वो ट्वीट या उस तरह के फेसबुक पर कमेंट्स, मैं समझता हूं कि हजारों लोगों ने किए, सैकड़ों लोगों ने किए और सबने देखा। लेकिन खैर, प्रशांत भूषण एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन इसलिए उन पर कार्रवाई शुरू हो गई। पहली बात यह थी, पहला ट्वीट यह था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपने किसी जगह पर अमेरिकन जो एक बाइक है, बहुत मशहूर बाइक है, हार्ले डेविडसन, उस पर वो बैठे हैं और कोरोना दौर की बात है, वो उस पर मास्क भी नहीं लगाए हैं और हेलमेट भी नहीं है, तो इसको लेकर उन्होंने कुछ कमेंट किया चीफ जस्टिस पर। इसके अलावा जो दूसरा जो उनका ट्वीट है वो बड़ा दिलचस्प था और वो ज्यादा पॉलिटिकल था। उसमें उन्होंने ये कहा कि पिछले 6 सालों में अगर देखा जाए तो न्यायपालिका ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने जनतंत्र को, डेमोक्रेसी को एक तरह से निराश किया है। उन्होंने अपने शब्द, उनके जो भी रहे हो, लबोलुभाव यही था कि डेमोक्रेसी निराश हुई है, डेमोक्रेसी के साथ वो न्याय नहीं हुआ है और इसलिए उसको भी माननीय कोर्ट ने माना कि वो एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अन्य जो मसले जोड़े गए वो जजेस के बारे में, उस पर भी प्रशांत भूषण ने अपनी बात पहले भी कही थी और बाद में भी कही। अब सवाल इस बात का है कि सजा जो उनको सुनाई जानी थी 20 को, वो नहीं सुनाई गई, अब वो 24 तारीख को सुनाई जाएगी। कोर्ट ये कहता रहा कि क्या प्रशांत भूषण को इस बारे में कोई माफी मांगनी है, हम उनको समय देते हैं, हम उनको पुनर्विचार का मौका देते हैं, तो उस पर प्रशांत भूषण बार बार अडिग रहे और एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि बार बार सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसके ये कहने पर कि क्या उनको लगता है कि उनके अपने विचार जो थे उस समय वो गलत थे और वो अपने विचार बदलने को तैयार हैं, माफी मांगने को तैयार हैं बेंच के, कोर्ट के समक्ष, वो अडिग रहे। और महात्मा गांधी तब को उन्होंने कोट किया कि माफी मांगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और उन्होंने कहा कि मुझे हर सजा मंजूर है, मैं अपनी नागरिक जिम्मेदारी मैंने निभाई है, अगर मैं इतिहास के इस मोड़ पर नहीं बोलूंगा तो अपने कर्तव्य को सही ढंग से नहीं निभा पाऊंगा, कोर्ट जो भी दंड देता है मैं उसके लिए तैयार हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, किसी उदारता की अपील नहीं करूंगा, कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के फैसले से दुखी हूं कि मुझे गलत समझा गया। तो उनका अगर कोई दुख है तो सिर्फ यह है कि उनके ट्वीट को या उनके बयानों को कोर्ट द्वारा या अन्य हिस्सों में भी, जहां भी उनको गलत समझा जा रहा है, उनका यह कहना है कि उनको मिसअंडरस्टूड किया गया, उनको सही ढंग से, सही पर्सपेक्टिव में उनकी बात को नहीं पेश किया गया। अब इस पर बहुत सारे देश के जो न्यायविद हैं, चाहे वो राजीव धवन साहब हों, दुष्यंत दवे साहब हों, ये दोनों बड़े ख्यातिलब्ध लोग हैं, ये प्रशांत भूषण की वकालत कर रहे थे कोर्ट में, और इन सब ने
बात यह कही कि यह कंटेम्प्ट का मामला नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट का जो प्रशासनिक मसला है जस्टिस का, यानी न्याय की प्रक्रिया का जो एक प्रबंधकीय या प्रशासनिक मसला है, उसमें कहीं दखलंदाजी नहीं है। कोर्ट की डिग्निटी को भी, इसको कहीं से भी उसकी अवहेलना नहीं है। ऐसे में ये मामला नहीं बनता है कि उनको कन्विक्ट किया जाए या उनको सजा दी जाए। ये सब बातें कही गई, लेकिन खैर बेंच ने नहीं इस बात को माना। और बड़ी दिलचस्प बात है कि अटॉर्नी जनरल साहब के वेणुगोपाल साहब ने, जिनको जो जो कोर्ट में सबसे बड़े अधिकारी हैं न्याय कानून के, उन्होंने उनसे जब बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि प्रशांत भूषण को आपने कन्विक्ट कर दिया है, लेकिन सजा मत दीजिए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि उनका जो करियर है उसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए ये काम सजा, ये सजा के अधिकारी वो नहीं है, ये बात कह दी। हालांकि बड़ी दिलचस्प बात है कि उस दिन जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो जब वो प्रकाशन में आई, तब पता चला कि उसमें वेणुगोपाल साहब का जो वक्तव्य है वो दर्ज नहीं है या उसकी चर्चा नहीं है। अब इसकी क्या वजह है, ये कोर्ट के जो जानकार हैं, एक एक बातों को जो बारीकी से समझते हैं, वो इसके बारे में बताएंगे। लेकिन मसला अब यह है कि 24 तारीख को क्या होगा। और दोस्तों, इस बीच में हमने कुछ कानून के जानकार विद्वानों से भी बात की है जो एक्सपर्ट हैं, हम उनकी भी राय लेंगे कि क्या अपने देश में कंटेम्प्ट का जो जो जो, जो कानून है, क्या वो राजद्रोह के कानून जैसा या जो डिफेमेशन का कानून है, खासकर क्रिमिनल डिफेमेशन का कानून, जिसके बहुत सारे शिकार पत्रकार होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है, क्या इस तरह के कानूनों की तरह है और इसलिए ऐसे कानूनों को दफन किया जाना चाहिए, जैसा कि दुनिया की कई डेमोक्रेसीज में दफन किया जा चुका है या बाइल्ड किया जा चुका है उनको। और दोस्तों, इस बारे में हमने कुछ कानून के जो विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं और जिनकी प्रैक्टिस है, ऐसे लोगों से बातचीत की। उसमें अवनी बंसल हैं, अवनी बंसल देश विदेश में कानून की पढ़ाई की हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। तो एडवोकेट अवनी बंसल, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि प्रशांत भूषण को लेकर जो ये विवाद है, खासकर उनके कन्विक्ट किए जाने के बाद सजा आप सुनाई जानी है, किस तरह से आप देखती हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी में काफी गहमागहमी है, आप कैसे देखती हैं? प्रशांत भूषण जी का 30 सालों से अधिक जो है एक काफी सराहनीय काम रहा है, पब्लिक सर्विस को लेकर वो काफ़ी ही वेल नोन एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी ही बड़े संवैधानिक मामलों में उन्होंने बहुत अच्छी पैरवी करी है। तो उनके जैसे व्यक्ति को भी 2 ट्वीट्स के लिए कोर्ट का ये कहना कि वो कंटेम्प्ट है, कहीं ना कहीं इस बात का संदेश भेजता है लोगों के बीच में कि क्रिटिसिज्म हमें पसंद नहीं, आप बुराई मत करिए। लेकिन यदि हम एक प्रजातंत्र के बेस की बात करें और उसमें इम्पॉर्टेंटली वकीलों की भूमिका की बात करें, तो वकील तो जो है उनका पेशा ही होता है, उनका पैशन भी होता है सच कहना और जस्टिस के लिए जो कुछ बन सके वो करना। तो ऐसे में 2 ट्वीट्स पे कंटेम्प्ट करना, मेरे ख्याल से ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक प्रकार का संदेश भेजता है कि क्या हमारी जुडिशरी, क्या हमारा जस्टिस सिस्टम इतना कमज़ोर है कि किसी के अपने ओपिनियन व्यक्त करने मात्र से ही कोर्ट जो है वो स्कैंडलाइज हो जाता है या कोर्ट की जो है वो लोगों के बीच में रेपुटेशन कम हो जाती है। एक प्रजातंत्र में यदि हम लोगों के मत को, उनके ओपिनियन को दबाने की कोशिश करेंगे तो उससे हमारा जस्टिस सिस्टम मजबूत नहीं होता, उससे हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो और कमज़ोर होता है। और ओनी, ये आप बताएं कि एक यह भी प्रश्न मैं देखता हूं कि जो कानून के जानकार लोग हैं या जो विद्वत समाज है उनके बीच में चर्चा का विषय रहता है कि जिस तरह डिफेमेशन के, क्रिमिनल डिफेमेशन का जो मामला है या राजद्रोह का मामला है, उसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मसला है, खासकर क्रिमिनल जो कंटेम्प्ट, उसका काफी इस देश में कई बार देखा गया है कि उतना उपयोग नहीं होता जितना दुरुपयोग होता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है इस पर विवाद हो, लोग माने कि नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं। आप कैसे देखती हैं, क्या इन कानूनों को दफन करने का या इनको एक तरह से रिस्ट्रक्चर करने का
या इनको डाइल्यूट करने का वक्त आ गया है, जैसा कि दुनिया की कई डेमोक्रेसी ने, खासकर जो मैच्योर डेमोक्रेसी है, उन्होंने किया है। ये कंटेंप्ट और सेडिशन में कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। सेडिशन का जो भारत में कानून है, मतलब देशद्रोह का कानून, ये भी कहीं ना कहीं हम यूके से लेकर आए थे, इंग्लैंड से लेकर आए थे, वहाँ पे अब इसका उपयोग नहीं होता, लेकिन भारत में आज भी हम लोगों के ऊपर जो है वो देशद्रोह का कानून लगा रहे हैं। तो जब कभी कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो सरकार हो, उसके खिलाफ या अपनी कोई क्रिटिकल वॉइस, अपना कोई ऐसा ओपिनियन जो पॉपुलर ओपिनियन हो या नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट जो है वो प्लीजिंग ओपिनियन नहीं है उनके लिए कि जो किसी कुर्सी पर बैठे हैं, तो क्या ऐसे में लोगों की आवाज़ को बंद करने के लिए कंटेम्प्ट और सेडिशन का कानून का इस्तेमाल होते रहना चाहिए? यदि भारत में हम अपने आप को वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, इस बात पे हम गर्व करते हैं, लेकिन जहाँ से हम ये कानून लाए हैं, जब वहाँ पे ही इस कानून का कोई इस्तेमाल नहीं होता, तो आज भी भारत में इस कानून को बनाए रखने का और इस कानून का इस्तेमाल करना, ये कहाँ तक सही है? तो कहीं ना कहीं क्यों हम इन आउटडेटेड लॉस को, कॉलोनियल लॉस को भारत में कंटिन्यू कर रहे हैं, ये भी एक पूछने वाला प्रश्न है। ओनी, आपसे तीसरी बात जो मैं समझना चाहता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब ने जो बात कही कल के प्रोसीडिंग के दरमियान, आई मीन 20 तारीख को जो प्रोसीडिंग चल रही थी उस दरमियान, तो उनकी बात हालांकि रिकॉर्ड नहीं की गई है ऐसा हमने देखा, लेकिन उन्होंने जो कहा उसका क्या मतलब है और इसकी व्याख्या आप कानून के जो जानकार लोग हैं वो कैसे करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रशांत भूषण को एक तरह से डिफेंड किया और कहा कि सजा नहीं होनी चाहिए। यदि कानून की बात करें तो संविधान ये कहता है कि जब कभी कोई कंटेम्प्ट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगता है, तो उसमें जो संविधानिक पोजिशन है अटॉर्नी जनरल की, हु इज़ द हाइएस्ट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जो सबसे बड़े ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, उनका मत जो है वो लिया जाना चाहिए। लेकिन जैसे कि काफ़ी वाइडली रिपोर्ट किया गया है, के वेणुगोपाल जी जो अभी भारत में संवैधानिक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल हैं, उनकी बात को कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने ना तो सुना और ना ही उनके मत को अपने जजमेंट में, 108 पेज के जजमेंट में कहीं ना कहीं भी उसको रेफरेंस नहीं दिया। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया? क्यों के वेणुगोपाल जी इस बात को इंसिस्ट नहीं कर पाए कि ये संवैधानिक ड्यूटी है कोर्ट के ऊपर कि अटॉर्नी जनरल को कंटेम्प्ट के मामलों पे सुना जाए? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि कंटेम्प्ट जो है, जैसे हम जानते हैं, दो प्रकार का होता है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट मतलब यदि कोर्ट ने कोई आदेश दिया और किसी व्यक्ति ने उस आदेश की अवहेलना करी, तो वो सिविल कंटेम्प्ट होता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब कि कुछ ऐसी बातें कहना जिससे कोर्ट की जो रेपुटेशन है उसमें कमी आए। लेकिन ये जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का कानून है, ये हम इंग्लैंड से लेकर आए थे, इंग्लैंड में अब इसका उपयोग नहीं होता, लेकिन भारत में आज भी हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट को लेकर जो है वो इतनी चर्चा कर रहे हैं, और प्रशांत भूषण जी के जैसे सीनियर एडवोकेट की दो ट्वीट के ऊपर जो है उनको कंटेम्प्ट के लिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तीसरी बात, यदि कोई व्यक्ति अपना मत देता है, अपना ओपिनियन देता है, तो क्या उसके ओपिनियन देने मात्र से ही कोर्ट को ये समझना चाहिए कि कोर्ट की रेपुटेशन जो है वो कम हो गई है? क्योंकि प्रशांत भूषण जी के ये कहने के पहले कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं उनमें करप्शन था, ना सिर्फ प्रशांत भूषण जी, बहुत सारे और भी सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस ये बात को कह चुके हैं। तो जुडिशरी जो है या जजेस जो हैं वो भगवान तो नहीं है, कहीं ना कहीं एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है, कुछ जजेस हो सकते हैं कि जो करप्ट हैं। तो यदि उस बात को कहा जा रहा है, तो क्या उस मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या उस मामले पर और चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या किसी सिस्टम को साफ करने के लिए ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता नहीं है? केवल उस मत पर ये मान लेना कि जो है कोर्ट की रेपुटेशन कम हुई है, ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा, दूसरी जो उन्होंने ट्वीट करा था, जिसमें उन्होंने बताया कि जो चीफ जस्टिस हैं बोबडे साहब, वो एक बाइक चला रहे हैं जो 50 लाख रुपए की है, और नागपुर के किसी बीजेपी आरएसएस लीडर के नाम पे उसका बाइक का रजिस्ट्रेशन है, तो 108 पेज जजमेंट में ये कहीं पे भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि वो बाइक जो है वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, क्या कोई कनेक्शन है, इस पे कहीं कोई बात नहीं कही गई। बस ये कहा गया कि ये झूठ है, लेकिन उसकी डिटेल नहीं दी गई। तो यदि लोगों के बीच में कोई एक सवाल खड़ा होता है, तो क्या बेहतर तरीका ये नहीं है कि उसके लिए इन्फॉर्मेशन दे दी
जाए, क्योंकि जजेस जो हैं उनका काम होता है ट्रांसपेरेंट होना, बजाय ये कहना कि जिस व्यक्ति ने उस मत को रखा है उसको बुला के जो है कहीं ना कहीं उसके ऊपर कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया जाए। तो ये मैसेज जो समाज में जा रहा है मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और यदि प्रशांत भूषण जी जैसे सीनियर एडवोकेट के खिलाफ में ये हो सकता है तो फिर जो यंग लॉयर्स हैं जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं कहीं ना कहीं जस्टिस की खोज में सच बोलने के लिए, उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये सोचने योग्य है। हमारे साथ के एस चौहान साहब हैं और काफी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और वो भी सबाल्टर्न इश्यूज पर लगातार बड़ी बड़ी केसेस कर चुके हैं, उनकी उनकी पैरवी कर चुके हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि बहुत सारे जो मैंने देखा कि हाशिए के समाज के बहुत सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो इन दिनों एक सवाल सोशल मीडिया पर काफी शिद्दत के साथ उठा रहे हैं कि प्रशांत भूषण को लेकर पूरे समाज में इतनी गहमागहमी है, लोग ये कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उनको जो एक तरह से कन्विक्ट किया गया है उस पर वो काफी शोर मचा रहे हैं, लेकिन जब जस्टिस करणन का मसला आया था तो ये सिविल सोसाइटी मौन थी। तो इस पर एक तरह से कंपेयर किया जा रहा है, आप जस्टिस करणन के कॉन्टेक्स्ट में आपकी क्या राय है, कैसे आप देखते हैं? धन्यवाद उर्मिलेश जी, जैसा कि आपने प्रश्न किया है, जो जस्टिस करणन का इशू था, जस्टिस करणन ने जो उसका जो इशू था उसमें उसने 20 जजेज के नाम दिए और 20 जजेज के साथ उसने तीन लोगों के नाम दिए कि इन तीन लोगों की कस्टोडियल इंटरोगेशन करने से पता लगाया जा सकता है कि इन 20 जजेज ने कैसे पैसा कहां कहां रखा है। तो ये वो हाई कोर्ट का जज है, उसको पता होना चाहिए कि भाई इस तरह से कोई इंक्वायरी नहीं होती है, और जब उसके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं था तो वो उसका जो एक्ट है वो स्कैंडलाइजेशन की कैटेगरी में आएगा। और मेरा दूसरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है चौहान साहब, कि क्या आपको लगता है कि अपने देश में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो 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 ये कानून है, हालांकि हमारे संविधान की आर्टिकल 129 से निकला है और 1971 में जो एक्ट आया था उसमें इसको और ज्यादा एक तरह से धार मिल गई या और कड़ा इसको किया गया, तो आपको क्या लगता है कि इसकी कोई जरूरत उतनी नहीं रह गई है, खासकर क्रिमिनल डिफेमेशन की, सिविल डिफेमेशन मान लीजिए अगर चलता है, सॉरी कंटेम्प्ट चलता है, लेकिन एक इसके इसके दुरुपयोग को लेकर जो सवालात हैं आपको कैसा लगता है, क्या इसको वाकई दफन करना चाहिए या डायल्यूट करना चाहिए? जैसा कि आप कह रहे हैं कि विचार लोगों का ये बन रहा है कि हमारे यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है ये नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने जो एससी एसटी ओबीसी से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसमें अगर हम 5 जज से भी केस जीत जाते हैं तब भी गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है। 2014 में चीफ जस्टिस लोढ़ा की बेंच ने रोहतास भानखड़ का केस 5 जजों में डिसाइड किया और वो एक साल तक उस केस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और उसके लिए हमने कंटेम्प्ट भी डाली। तो ये जो पूरा प्रोसेस है अगर इसको हम देखें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मैं ये नहीं मानता हूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को खत्म कर देना चाहिए। दूसरा इसका दूसरा कारण ये भी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे संविधान के द्वारा दी हुई पावर है और आर्टिकल 129 में संविधान ने अगर ये पावर दी है तो इस तरह से चर्चा करने से, संविधानिक पावर खत्म करने के बारे में चर्चा करना मुझे लगता है गलत है, क्योंकि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये सभी डेमोक्रेसीज में पाई जाती है और ये जो शो मोटो कंटेम्प्ट का जो इशू है इसको अगर पार्लियामेंट चाहे तो रेगुलेट कर सकती है। और दोस्तों अंत में हम यही कहेंगे कि हमारी इस संक्षिप्त चर्चा में आपने कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी, जो कानून के जानकार हैं उनकी ओपिनियन भी सुनी, और मैं मानता हूं कि उनकी ओपिनियन के अलावा हमारे समाज में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी अलग अलग ओपिनियन भी हो सकती है, इससे मिलती जुलती, इससे नहीं मिलती जुलती। हमारा ये मकसद है कि इस तरह के विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा से ही हम चीजों को समझ सकते हैं, बदल सकते हैं और बेहतर के लिए, क्योंकि आज जो हमारी न्याय व्यवस्था है, हमारा जो न्याय की जो धारणा है,
वो उस दौर की धारणा से बिल्कुल नहीं मिलती मिलाई जा सकती है या बिल्कुल सिमिलर नहीं कही जा सकती है जो राजाओं के दरमियान या राजशाही के दरमियान जो एक न्याय की धारणा थी। आज हमारी जो न्यायपालिका है, हमारा जो न्याय तंत्र है, वो जनतंत्र का है, राजतंत्र का नहीं है। तो ऐसे दौर में जो एक बहस है, चर्चा है, इसकी रोशनी में बहुत सारे नए रास्ते निकलते हैं और नई नई धारणाओं का विकास होता है। इसलिए बहस को हमेशा एप्रिसिएट किया जाना चाहिए, बहस को कभी भी मैं नहीं समझता कि खारिज किया जाना चाहिए। इससे लोकतंत्र, मैं समझता हूं कि बहस से मजबूत होता है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.